केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीर के लिए सीआईएसएफ में भी 10% कोटे का ऐलान कर दिया। सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत नियमों में संशोधन कर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब अग्निवीर को अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और दूसरे बैच को 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीर योजना आखिर क्या है, चलिए ये बताते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2023 में तीनों सेनाओं के 17.5 से 21 साल की उम्र वाले युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इसमें देश के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। अग्निपथ योजना में भर्ती लोगों को अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हर बैच के 25% रंग रूटों को रेगुलर सर्विस की पेशकश की जाएगी। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद पूर्व अग्निवीरों को अब फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को भी अब तरजीह दी जाएगी। अग्निवीर योजना आखिर क्यों लाई गई थी, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल अग्निवीर योजना ने भारतीय वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों के रूप में महिलाओं की भर्ती के लिए भी दरवाजे खोल दिए थे। इससे पहले सेना ने 2019 में अपनी सैन्य पुलिस कोर में महिला सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी थी। तब सरकार ने कहा था कि इस योजना का मकसद सेवारत सैनिकों की औसत आयु को कम करके सशस्त्र बलों में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना है। अग्निवीर योजना के दौरान अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ये फीस और किताबों की लागत के बराबर होता है और ग्रेजुएशन तक मिलता रहेगा। अलाउंस में स्कूल और कॉलेज आने जाने, हॉस्टल के साथ साथ ड्रेस की कीमत भी शामिल होती है। सैनिकों के बच्चों को पहली से लेकर प्रोफेशनल कोर्स के लिए 10,000 रुपये सालाना से लेकर 50,000 रुपये सालाना तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। सैनिकों की पत्नियां भी ग्रेजुएशन और किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हर साल 20,000 से 50,000 रुपए तक की अधिकारी हैं। वहीं अगर अग्निवीर और सेना में अंतर की बात करें तो सामान्य सैनिक के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में केंद्र सरकार हर महीने 5,000 रुपए का योगदान देती है। साथ ही में बैंक भी उनका 50,00,000 रुपए का बीमा करते हैं। वहीं अग्निवीर का 48,00,000 रुपए का बीमा है, लेकिन इस सुविधा के लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ से होता है। किसी ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर दोनों के ही परिवारों को यह रकम मिल जाती है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को अनुग्रह राशि के तौर पर 44 लाख मिलते हैं। रेगुलर सैनिकों के लिए यह अनुग्रह राशि 25 लाख से लेकर 45 लाख तक भी हो सकती है। दरअसल 10 दिन पहले पंजाब के मनसा जिले के एक अन्य अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद यह मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अमृतपाल के परिवार से मिले। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अग्निवीरों के साथ हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।